तो बात किसानों की करते हैं। किसानों का फिर से दिल्ली मार्च का ऐलान देखने को मिला है। जो दिल्ली रवाना होगा किसानों का जत्था, 101 किसान इसमें शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे दिल्ली रवाना होगा किसानों का जत्था। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच करेगा। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। अंबाला में आज इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि एहतियात बरती जा सके। कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च ना कर पाए। अपनी मांगों के समर्थन में पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। और आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। एक किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा जिसमें 101 किसान होंगे। ये किसानों की तरफ से कहा गया। किसानों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से पैदल हम आगे बढ़ेंगे, तो प्रशासन पैदल आगे बढ़ने से हमें ना रोके। प्रशासन की तरफ से हालांकि कोई अनुमति नहीं दी गई है। किसानों की मांग है, MSP की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। और किसानों का ये कहना है, जब किसान आंदोलन पहले हुआ था जो कि 1.5 से 2 साल तक चला था, जिसमें 700 किसान शहीद हुए थे, उन पर जो मुकदमे दर्ज थे वो वापस नहीं लिए गए। और साथ ही साथ जो वादा किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, वो वादा नहीं निभाया गया है। तो किसानों का ये कहना है कि जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे वो वादे सरकार निभाए। शिखा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट्स और जानकारी के साथ। ग्राउंड जीरो से बात कर करें शिखा, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास अभी फिलहाल मौजूद है? शंभू बॉर्डर पर क्या हलचल देखने को मिल रही है और क्या किसानों की मांगें? दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार बता दीजिए। देखिए फिलहाल बात करें, अब फिलहाल वहाँ क्या चल रहा है, जो किसान जो है वो तैयार हो चुके हैं 12 बजे दोबारा होने के लिए। देर रात बब्बू मान सिंगर जो है वो वहाँ पहुंचे थे और वो भी ये चाहते थे कि पंजाब के जो सिंगर है, गायक है, जो एक्टर है, वो उनको सपोर्ट करे। तो कह रहे कि इससे कल बब्बू मान जो है वो वहाँ पहुंच गए थे और कुछ ही देर में कांग्रेस नेता और पहलवान जो बजरंग पुनिया है वो भी वहाँ पहुंचेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर के द्वारा ये जानकारी जो थी दी थी कि मैं वहाँ पहुंचूंगा। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि पहले भी 2 बार किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर चुके हैं पर वो सफल जो है वो नहीं हो पाए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती थी और एक बार फिर से आज जब वो कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें वैसी कुछ तस्वीरें सामने आने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। पर किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे या कोई भी कोई तरह का झूठी अफवाह ना फैलाए, इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। जो अंबाला के 10 गाँव हैं और जितने भी जो बैरिगेटिंग्स लगाए गए थे उनके ऊपर तारे जो है वो लगा दी गई है ताकि कोई भी जो है वो कूदने की कोशिश जो है वो ना करे। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि पूरा देश हमारे साथ है पर प्रधानमंत्री जो है उनको हमारी चिंता नहीं है, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं और हरियाणा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमें परेशान जो है वो कर रही है। हरियाणा सरकार से हम लगातार इसको लेकर बातचीत करते रहते हैं, मंत्रियों से बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई किसानों से कोई उनसे कोई गुस्सा नहीं है या ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं है, उनके साथ है। पहले पर वो पंजाब सरकार से पूछे कि उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे, कि हरियाणा सरकार ने अपने किसानों से जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं, केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो भी वो पूरे कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो आपस में नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को पर बातचीत जो है वो भी करनी चाहिए। ऐसे में किसानों की मांग है कि जो वादा किया गया था जब किसान आंदोलन देखने को मिला, उसके बाद जो वादे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए थे केंद्र सरकार उन्हें पूरा नहीं कर रही है। अब ऐसे में बात अगर की जाए शिखा, प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया किसानों को लेकर और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि किसान तो ये मांग करें कि हम शांतिपूर्वक तरीके से पैदल आगे बढ़ेंगे, अब इसमें भी प्रशासन को शिकायत है, प्रशासन का क्या रुख है? देखिए प्रशासन ये कह रहा है कि उनको आगे जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक साथ अगर इतने किसान जो है वो निकलेंगे तो उनके पीछे पीछे दूसरे किसान जो है वो भी निकलेंगे। कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो जरूर जो चाहे वो ट्रैफिक कह लीजिए, चाहे वो आम जनता की जो डेली रूटीन कह लीजिए, उस पर जो है वो जरूर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं दिल्ली से परमिशन जो है वो भी नहीं मिल रही है कि जो किसान जो है वो दिल्ली आए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, पर जो तस्वीरें हमने 2020 में देखी थी, एक आंदोलन जो हुआ था, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी तस्वीरें जो है वो दोबारा सामने आए या दोबारा किसानों को वो परेशानी हो या सरकार के ऊपर बातें उठी। तो कह रहे कि इसलिए वो आप से बातचीत करके वो मसला सुलझाना चाह रहे हैं, पर शायद किसान भी अब ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो दिल्ली कूच जाए और वहाँ जाके सरकार से जवाब मांगे, वहाँ जाके अपना धरना करे और अपनी सारी मांगे जो है वो पूरी कराए।